मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी का राज। नवाबशाह, सखर, दादू समेत सिंध के वसी और बालाई इलाकों में झुलसा देने वाली गर्मी होगी। नवाबशाह में पारा 50 डिग्री तक जा सकता है। कराची में दर्जा 42 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। पंजाब में भी गर्मी का जोर। लाहौर समेत पंजाब के मुतादद शहरों में पारा 45 तक जाने की पेशगोई। इस्लामाबाद और पेशावर में दर्ज हरारत 39 सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। कल से पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में हीट वेव का खदशा। 10 रोज तक शदीद गर्मी रहेगी। दर्ज हरारत 50 सेंटीग्रेड से तजावुज करने का इम्कान है। माहिरीन का मशवरा है कि तेज धूप से बचें और सर ढांप कर बाहर निकलें और पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें। किर्गिस्तान से पाकिस्तानियों की वतन वापसी बिश्केक से खसूसी परवाज की। 30 तलबा समेत 180 अफराद को लेकर लाहौर आमद। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तलबा का इस्तकबाल किया। कहा, इस वक्त हमारे तलबा की जिंदगियां बहुत अहम है। हमने अपने बच्चों को वापस लाना है। हमारी तरजीह है कि जख्मी तलबा को पहले वापस लाया जाए। बिश्केक में फंसे तलबा और मुसाफिरों को लाने के लिए आज मजीद 2 परवाजें जाएंगी। खसूसी परवाजों के जरिए 360 तलबा को वतन वापस लाया जाएगा। एक परवाज लाहौर, दूसरी इस्लामाबाद पहुंचेगी। वज़ीर आज़म का वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार को किर्गिस्तान भेजने का फैसला। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम भी डिप्टी वज़ीर आज़म के हमराह होंगे। दोनों वज़रा आज किर्गिस्तान पहुँचेंगे। इसहाक डार और अमीर मकाम आला किर्गिस सरकारी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी के हवाले से मामलात का जायज़ा लेंगे। बिश्केक में हालात मामूल पर नहीं, तलबा में बेचैनी है। किर्गिस्तान में 10 से 12 हज़ार तलबा की जान को खतरा है। किर्गिस्तान में मिस्री बाशिंदों ने मकामी अफराद को मारा। वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की। वीडियो अपलोड होने के बाद फसादात शुरू हुए। तलबा ने छुपकर अपनी जान बचाई। किर्गिस्तान में फंसे तलबा की पाकिस्तान पहुँचने पर मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई ने पीठ में छुरा घोंपा। ताबुन का कहकर डी चौक में धरना शुरू कर दिया। 2013 में हुकूमत संभाली तो बानी पीटीआई से मिलने बनीगाला गया। बानी पीटीआई से कहा, मुल्क के लिए मिलकर चलें। इसके बाद बानी पीटीआई जनरल जहीर इस्लाम और ताहिरुल कादरी लंदन चले गए। लंदन में हमारे हुकूमत के खिलाफ साजिश का जाल बिछाया गया। मुझे समझ नहीं आई उन्होंने क्यों धरने शुरू किए, उनको कहां से इशारा मिला ये तो बताएं। नवाज शरीफ के फिर गिले शिकवे। मेरे पास साबिक चीफ जस्टिस की एक ऑडियो मौजूद है। ऑडियो में साबिक चीफ जस्टिस ने कहा, नवाज शरीफ को हटाना है, बानी पीटीआई को लाना है। नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून के सेंट्रल वर्किंग कमेटी इजलास से खिताब। वज़ीर आला सिंध का कराची में जारी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का दौरा। सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, नासिर शाह, सईद गनी और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी हमराह। करंगी कॉजवे पर कचरा डंप करने की इजाज़त देने पर SHO मुअत्तल। वज़ीर आला सिंध के SSP को करंगी कॉजवे पर अपना कैंप ऑफिस बनाने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध का जाम सादिक पुल का भी दौरा। मुराद अली शाह को येलो लाइन BRT पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मलिर एक्सप्रेस वे का भी दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जापानी सफीर की मुलाकात। तजारत, कारोबार और सरमायाकारी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब और जापान के दरमियान सकाफती और तालीमी वफूद के तबादलों का जायजा। तलबा के फैकल्टी प्रोग्राम्स को फरोग देने पर उसूल इत्तफाक। पंजाब बड़ी कंज्यूमर मार्केट के तौर पर उभर रहा है। पंजाब और जापान तजारत, जापानी कंपनीज के लिए पंजाब में सरमायाकारी के मुफीद मौके मौजूद हैं। सरमायाकारी और बाहमी मफादात को मद्देनजर रखते हुए इश्तराककार कर सकते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज और NA 148 मुल्तान में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग। 7 उम्मीदवार मैदान में। पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तैमूर अल्ताफ मलिक में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशखाना का एक और केस। इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। बानी पीटीआई पर एक नहीं 7 घड़ियां खिलाफ कानून लेने और बेचने का इल्जाम। नए केस में 10 कीमती तहाइफ खिलाफ कानून पास रखने और बेचने का इंकशाफ। ग्राफ वॉच, रोलेक्स घड़ियां,
हीरे और सोने के सेट केस का हिस्सा तोहफे अपनी मिल्कियत में लिए बगैर ही बेचे जाते रहे। ग्राफ वॉच का कीमती सेट भी रिटेन किए बगैर ही बेच दिया गया। प्राइवेट तखमीना साज की मिले भगत से ग्राफ वॉच की खरीदार को फायदा पहुंचाया गया। तखमीना साज का तोशेखाना से ईमेल आने से पहले ही घड़ी की कीमत 3 करोड़ कम लगाना मिली भगत का सबूत है। ग्राफ वॉच की कीमत 10 करोड़ 9 लाख 20 हजार रुपए लगाई गई। 20% रकम 2 करोड़ 1 लाख 78 हजार रुपए सरकारी खजाने को दिए गए। हर तोहफे को पहले रिपोर्ट करना और तोशेखाना में जमा करवाना लाजिम है। इंक्वायरी रिपोर्ट। मुल्क के मुख्तलिफ इलाके शदीद गर्मी की लपेट में आ गए। सिंध में गर्मी हदों को छूने लगी। नवाबशाह में पारा 50, दादू में 49, मिट्टी और सखर में 47 तक जाने की पेशगोई। लाहौर और मुल्तान में दर्ज हरा 45 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। आइंदा हफ्ते सिंध और पंजाब में गर्मी की शिदत में इजाफा। दिन का दर्ज हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहेगा। वज़ीर-ए-आला सिंध का कराची में जारी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का दौरा। सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, नासिर शाह, सईद गनी और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी हमरा। कोरंगी कॉजवे पर कचरा डंप करने की इजाज़त देने पर SHO मुअत्तल। वज़ीर-ए-आला सिंध की SSP कोरंगी को कॉजवे पर अपना कैंप बनाने का हिदायत। वज़ीर-ए-आला सिंध का जाम सादिक पुल का भी दौरा। मुराद अली शाह को येलो लाइन BRT पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने मलीर एक्सप्रेस वे का भी दौरा किया। गंदम दरामद स्कैंडल का जिम्मेदार कौन? सेक्रेटरी काबीना की सरबराही में कायम कमेटी तहकीकात मुकम्मल ना कर सकी। 2.5 हफ्ते गुजरने के बावजूद कमेटी की रिपोर्ट सामने ना आ सकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब की थी। 4 लाख टन इजाफी गंदम खरीदने का अमल भी शुरू ना हो सका। सरकारी नरखों से कई गुना कम कीमत पर गंदम की फरोख्त, किसान परेशान। पंजाब में गंदम की फी बोरी कीमत 6,000 रुपये की कम तरीन सतह पर आ गई। इजरायली फोर्सेस की शुमाली और जनूबी गजा में शदीद बमबारी। रिहायशी इमारतों, पनाहगुजीन कैंप्स और अक्वामे मुत्तहिदा के ठिकानों को निशाना बनाया। रफा में भी हमले, मजीद 83 फलस्तीनी शहीद, 105 जख्मी। शहदा की मजमू तादाद 35,386 हो गई, 79,366 जख्मी। रफा से नकल मकानी करने वाले फलस्तीनियों की तादाद 6.5 लाख हो गई। इजरायली फोर्सेस का जनूबी लबनान में भी फजाई हमला, 2 अफराद शहीद हो गए। दुनिया भर में फलस्तीन की आज़ादी के लिए मुजाहरे और रैलियां। जर्मनी, इटली, बरतानिया और स्कॉटलैंड में हज़ारों शहरी सड़कों पर निकल आए। इसराइली जारहियत रोकने का मुतालबा। फलस्तीनियों की जबरी मुंतकली के खिलाफ अमरीका में मार्च। पुलिस मुजाहरीन पर टूट पड़ी। सहाफ़ी समेत मुतअद्दिद गिरफ्तार। अफगानिस्तान में बारिश के नए स्पेल ने तबाही मचा दी। वस्ती सूबे गौर में शदीद बारिश और सैलाब से 70 अफराद जहाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। 2,000 मकानात सैलाब में बह गए। हज़ारों दुकानें भी सैलाब की नज़र हो गई। गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगें।